Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot. It's where truth always exposes darkness. तो आज का जो टॉपिक है गाइज, वो इस तरह से हम देखेंगे कि नेक्स्ट 15 डेज आपके ज़िंदगी में किस तरह के चेंजेस, किस तरह की घटनाएं हो सकती है. सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडियक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज. यहाँ से हम देख लेते हैं कि आपकी चीज जिंदगी में अगला 15 दिन में क्या हो सकता है. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. सो विद इन द नेक्स्ट 15 डेज व्हाट इज गोना हैपन इन माय व्यूअर्स लाइफ, मेरे व्यूअर्स की जिंदगी में किस तरह के बदलाव हो सकते हैं, व्हाट कैन बी द चेंजेस, व्यूअर्स प्लीज बताएं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे है हमारे पास एस ऑफ वेंट्स. ओके, ऑलराइट, वी डू हैव द विल ऑफ फॉर्चून, वी डू हैव द फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, वी डू हैव द थ्री ऑफ पेंटिकल्स. ओके, वी डू हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स. We do have the Ace of Pentacles. Ace of Wands के नीचे है Ace of Pentacles, Five of Wands, okay, Six of Wands, wow. Next we do have the King of Cups, King of Cups, King of Pentacles, Ace of Wands, Ace of Pentacles. We do have the Page of Swords. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ वैंड्स. ओके, नॉट एन इशू. अगर हम इस तरह से देखें, साइंस में से है एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि. यहाँ पे है हमारे पास यस एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि. सारे साइंस हैव ऑलमोस्ट ऑल द साइंस, नॉट ओनली वन, हर एलिमेंट्स यहाँ पे आ चुके हैं. यहाँ पे इम्पोर्टेंट साइंस में से है लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो. 11 नंबर कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट, 11 11 या 1 1 1 1 आप देख सकते हैं. 10 ऊपर से 10 नंबर, 6 3 3 6 5 1 कैन बी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है. अभी हम देख लेते हैं कि क्या मतलब इंसिडेंट्स होंगे ही, उसके बाद हम चैनल स्टेटमेंट्स को यूज करेंगे और लास्ट में हम यूज करेंगे ओरेकल्स कार्ड को. प्लीज लास्ट तक देखिए ताकि जो मैटर है आपको इजिली समझ में आ जाए. जस्ट अ सेकेंड गाइज. ओके, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो इस तरह से है कि अचानक से आप ऐसा फील करेंगे विद इन द नेक्स्ट 15 डेज कि नहीं, मुझे कुछ कॉन्क्रीट, कुछ स्टेबल, ठीक है, स्टेबिलिटी की तरफ मुझे जाने चाहिए, ठीक है. और भाग्य भी आपका साथ देते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है. हो सकता है कि आप इतना दिन से अप एंड डाउन, बहुत ज़्यादा लो, ठीक है, फील कर रहे थे एंड डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स भी आपका हो रहा था. कुछ आपके डिज़ायर्स थे जो आपके अनुसार नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहते हुए भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप अपने अचीवमेंट करके ही दिखाओगे. चाहे जितना भी कंपटीटर्स हो, चाहे उनकी जो पावर है कितने भी स्ट्रांग क्यों ना हो, यू विल जस्ट बीट द कंपटीशन. जैसे बोला जाता है ना, यू हैव जस्ट नेल्ड इट, ठीक है, आपने पूरी पूरा करके आप दिखाओगे. विद द सिक्स ऑफ वैंड्स देयर इज अ सिंबल ऑफ विक्ट्री. लेकिन आप इतना हम्बल है, आप इतना जेन्युइन सोल है कि वो होते हुए भी आप इतना ज्यादा अहंकार के, मतलब कभी भी आप अहंकार नहीं करते हैं और होगा भी नहीं, क्योंकि आप प्रोग्रेस की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो. अगर हम लव रोमांस रिलेशनशिप की बात करें तो मुझे दिख रहा है इस तरह से, अगर है आपके घर वाले, उनके घर वाले में आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, मे बी समथिंग रिलेटेड टू गिफ्ट,
समथिंग रिलेटेड टू कास्ट कम्युनिटी, समथिंग रिलेटेड टू ओपिनियन, ओपिनियन क्लैश हो रहा है आपके साथ आपके पार्टनर के या आपके साथ आपके घर वाले के या उनके घर वाले के. सो मुझे वहाँ पे दिख रहा है कि द मैटर्स आर डेफिनेटली गोइंग टू सॉल्व. जो भी मुद्दा है ठीक है वो खत्म होगा ही, जो भी मसला है वो खत्म होगा ही, जो भी गुत्थी है वो सॉल्व होगा ही होगा. यहाँ पे आई डू फाइंड कि आप बहुत ज्यादा नेक्स्ट 15 डेज में पूरी तरह से थॉरो रिसर्च करते हुए दिखाई दे रहे हो कि कौन सा जगह पे आपको इन्वेस्ट करना है, कौन सा जगह पे आपको नहीं करना है, कौन सा जगह पे आपको रिटर्न्स अच्छे मिल सकते हैं, कौन सा जगह पे रिटर्न्स आपको बिल्कुल ना के बराबर मिलेगा. मे बी यू विल कंसल्ट एनी फाइनेंशियल एडवाइजर, वेरी सीनियर पर्सन को आप कंसल्ट करेंगे जो इस इंडस्ट्री से बहुत समय तक जुड़े हुए हैं. ठीक है, कोई भी काउंसलर, कोई भी एडवाइजर, आई डू फाइंड लाइक दैट. दूसरा चीज जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप अगर आप एक स्टूडेंट है, यहाँ पे आपकी फोकस पूरी तरह से एग्जाम्स के ऊपर, आने वाले जो भी एग्जाम्स होंगे, जो भी आपको करने पड़ेंगे, आप पूरी तरह से करके ही रहोगे. बिकॉज विद द सेवन ऑफ पेंटिकल्स आई डू फाइंड यू विल इन्वेस्ट लॉट ऑफ यू कैन से एनर्जी टाइम ऑन योर यू कैन से स्टडीज, और सिर्फ स्टडीज नहीं आउटर नॉलेज, ठीक है, वर्ल्डली नॉलेज, ठीक है, अपडेट्स आपके पास पूरी तरह से होगा. चाहे आपकी इंटरव्यू में कोई भी क्वेश्चन पूछे, यू विल बी रेडी फॉर दैट. ठीक है, ये याद जरूर रखना, नेक्स्ट 15 डेज में टफ तगड़ा कंपटीशन आप फेस करने वाले हैं. कुछ लोग अननेसेसरी आपके वर्क प्लेस में हो सकता है, फैमिली में हो सकता है ना, क्लेश करे या मिसअंडरस्टैंडिंग हो या गैप इन कम्युनिकेशन हो, उसके वजह से आप हीटेड आर्गुमेंट में मत फंसिए. ठीक है, आप अपने तरफ से उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, ना कि बढ़ाने की कोशिश करें. कुछ रिलेटिव्स के साथ आपकी नहीं भी बन सकती है, मे बी अपने सिबलिंग्स के साथ भी ऐसा हो सकता है, या अपने कजिन्स के साथ ऐसा हो सकता है कि उनके जो राय है और आपका जो एक फैसला है, दोनों में मतलब जमीन और आसमान के अंतर हो सकते हैं. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि देयर विल बी अ बैटल. अगर वो कोशिश कर रहे हैं वो अलग बात है. ठीक है, आप उस चीज से, आप उस मसले से दूर रहने की ही कोशिश करें. दूसरी चीज जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यू विल बी थिंकिंग ऑफ न्यू स्टार्टअप. स्टार्टअप के लिए आप सोचोगे, आप फंड कहाँ से आप अरेंज करोगे, आप इसलिए किसी ना किसी फाइनेंशियल कंसल्टेंट से मिलने के लिए जाओगे. मोर ओवर अगर आप कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अ डॉक्टर प्रैक्टिसिंग, इफ यू आर इन द बैंक फाइनेंशियल सेक्टर्स, ओके, वहां पे मुझे दिख रहा है कि चीजें जो ऑर्गेनाइज कर सकते हो आप वहां पे बेस्ट करके दिखाओगे. क्योंकि आपके पास होता है हमेशा ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन. जिसके पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होता है उसको सक्सेस मिलने से कोई नहीं रोक सकता. एंड यू ऑलवेज रिसर्च इन्फॉर्मेशन, वो भी मुझे दिख रहा है. आप रिसर्च करके ही एक थोड़ो प्लान बना के, स्ट्रेटेजीज बना के फिर उस चीज को आप आजमाओगे. दूसरा चीज है घर वाले में, स्पेसिफिकली इफ यू आर फीमेल, आपके हस्बैंड आपकी तरफ काफी ज्यादा कोऑपरेटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड वो भी आपको बहुत ज्यादा ठीक है हेल्प कर रहे हैं, ताकि आपको भी ऑफिस का काम और घर का काम आप आसानी से मैनेज कर पाओ. कुछ लोगों के लिए मैरिज इज ऑन द कार्ड्स, हो सकता है रिश्ता फिक्स हो जाए. किसी भी रिजल्ट में पॉजिटिव आपका आ सकता है, चाहे वो प्रेगनेंसी टेस्ट रिजल्ट्स हो या आपके कोई भी रिजल्ट्स हैं. ठीक है, दूसरा चीज जो मुझे चीज दिख रहा है कि एंगर इश्यूज और टेम्पटेशन और डिजायर्स, ये तीन चीज आपको अवॉइड करना पड़ेगा. एक तो गुस्सा, एक तो बहुत ज्यादा लत, और तीसरा है बहुत ज्यादा ख्वाहिश. थोड़ा सा उसको मॉडरेशन में रखें तो ठीक होगा, प्रैक्टिकली एंड इमोशनली. ठीक है, आप दोनों तरफ से चीजों को संभालने की कोशिश जरूर करें. ओके, एंड आई डू फाइंड लाइक दैट ब्लंटली कोई आपको कह सकता है, आपको प्रोवोक कर सकता है, कोई इरिटेट कर सकता है, लेकिन उसके ऊपर ध्यान मत देना. फाइनली जाके आप ही जिंदगी में आगे बढ़ोगे. अगर आप उस छोटे छोटे चीजों के ऊपर आप ध्यान दिए तो आपकी मेन फोकस जो है वो हट जाएगा. ओके, कुछ लोग यहाँ पे शॉर्ट हेयर है, कुछ लोग यहाँ पे एवरेज लेंथ हेयर है. पता नहीं, मुझे आज लगा बोलना जरूरी है. कुछ लोग यहाँ पे काफी मैच्योर्ड है, अबव 40 मे बी, और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है यू आर जस्ट अ टीनेजर, यू आर जस्ट अ स्टूडेंट,
ओके एंड मे बी सम पीपल वर्क फॉर द मिलिट्री सेक्टर फॉर देयर ओन कंट्री. और दूसरी तरफ से मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर आप कोई जॉब में जा रहे हैं तो उसका फाइनल राउंड ऑफ सिलेक्शन में आपको थोड़ा सा और प्रिपेयर होके फिर जाना पड़ेगा. यू हैव टू प्रिपेयर एंड कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आप जानते ही हो कि एक पोस्ट के लिए, एक गवर्नमेंट पोस्ट के लिए बहुत सारे कंपिटिटर्स हो ही जाते हैं ना, और उनका भी तजुर्बा है, आपका भी तजुर्बा है. सो कहीं ना कहीं पे आपको थोड़ा सा सेफ रहने की कोशिश करनी चाहिए, बिकॉज यू शुड कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन. मोर इन्फॉर्मेशन विल लीड यू पॉजिटिव रिजल्ट. ठीक है, इस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. ऑल राइट, सो आई डू फाइंड लाइक दैट कि नेक्स्ट 15 डेज में ऐसा क्या हो सकता है. ऑफकोर्स लेट मी सी नेक्स्ट 15 डेज आपकी जिंदगी में किस तरह की घटनाएं हो सकती है. सो लेट मी फाइंड आउट नेक्स्ट 15 डेज में आपकी जिंदगी में किस तरह की घटनाएं हो सकती है, जिस तरह आप बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहोगे. एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड लाइक दैट. सो नेक्स्ट 15 डेज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, नेक्स्ट 15 डेज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जस्ट अ सेकंड. Always some evil entities come in the form of something. ये मैं बोल रही हूँ, आप लोग समझ जाना क्या. नेक्स्ट 15 डेज में ऐसा क्या हो सकता है जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू हैव द हाई प्रिस्टेस कार्ड एज आइसिस. नेक्स्ट वी डू हैव द 36 द गार्जियन. यहाँ पे है द 37 द फायर ऑफ सेक्रीफाइस. वी डू हैव लाइक अ बबल, the threefold riddle and mean and heavy with the just passing through. कुछ चीजें है ओके, जो आप उसमें क्या है ना, आप छोटी छोटी खुशी में, ठीक है, अपने आप को खुश रखने की भी कोशिश कीजिए. छोटे छोटे इवेंट्स आ सकते हैं जहाँ पे आपको हमेशा उस सारे इवेंट में शामिल होना चाहिए, क्योंकि खुशी का लम्हा जो हमारे ज़िंदगी में आता है काफ़ी शॉर्ट लास्टिंग, इट इज़ नॉट लॉन्ग लास्टिंग थिंग. सो आई डू फाइंड कि यू शुड गेट रिफ्रेश्ड. ठीक है, यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ पेटल्स है, ठीक है, यहाँ पे जैसे बबल बॉल्स है, जैसे मुझे दिख रहा है यहाँ पे कोई ऐसा हो सकता है कि आपको बोला जाए यू शुड टेक ट्रीटमेंट, स्पा ट्रीटमेंट. ठीक है, कि जैसे हीलिंग थेरेपीज होते हैं, स्पा ट्रीटमेंट शायद आप लोगे, इससे आपकी जो ओवरऑल हेल्थ है वो मेंटेन भी रहेगा और आपको मेंटली एंड स्पिरिचुअली एंड यू कैन से इमोशनली आप अपने आप को बैलेंस रख पाएंगे. आई डू फाइंड कि कुछ लोग हो सकता है कि आपके ऊपर उनका नज़र है, बट यू स्टिल डोंट नो, आप अभी तक उसको नहीं जानते कि वो कौन लोग हैं. मे बी देर आर 3 पीपल, मे बी मोर देन दैट, पता नहीं वो आपके ऊपर क्यों नज़र रख रहे हैं. मे बी फॉर सर्टेन रीजंस, मे बी उनके इंटेंशंस सही नहीं है, बट यू शुड बी केयर फ्री. ठीक है, आप केयर फ्री होकर अपनी जर्नी को कवर अप करें. यहाँ पे है विद द मीन एंड हैवी. ठीक है, मीन एंड हैवी एनर्जीज हो सकता है कि आसपास है, बट माँ काली इज प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम ऑल द मीन एनर्जीज, जो मीन है एकदम एकदम बदतर से बदतर, एकदम नेगेटिव, एकदम काला. ठीक है, सो आई डू फाइंड लाइक दैट. देखो, कुछ पाने के लिए यहाँ पे आपने जितना भी कुर्बानी दिया है उसका रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा. एंड अगर आपकी सिचुएशंस काफ़ी ज़्यादा इस तरह से है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है कैसे हम उस सिचुएशन से बाहर आए, तो आई डू फील लाइक दैट अगर आप थोड़ी देर के लिए ट्रैवल करो कहीं ना कहीं जगह पे, यू विल फील बेटर. और आप करोगे भी, बिकॉज इट विल चेंज योर मूड, इट विल चेंज योर वे ऑफ एक्शन, इस तरह से मुझे दिख रहा है. एंड यहाँ पे इस चीज़ से मुझे आपको ये भी बताना है कि जैसे है ना कि ऑल द जेलसीज, ग्रीड, जितना भी लोभ है, जितना भी मोह है, ठीक है, वो अगर आप कंट्रोल कर लें, ठीक है, थोड़ा सा भी,
सो यू विल स्टे अनअफेक्टेड, आपका कुछ भी कोई बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन आप अगर टेम्पटेशन में आके कुछ चीज़ों में, सपोज आपको प्रॉफिट और भी चाहिए, शॉर्टकट में चाहिए, शॉर्ट टाइम के अंदर आपको प्रॉफिट चाहिए, सो कहीं ना कहीं पे आई डू फाइंड लाइक दैट कि वो प्रॉफिट जो है वो आपको मिलेगा मे बी, बट वो उस पैसे को आप होल्ड करके नहीं रख पाएंगे, बिकॉज नेक्स्ट में वो पैसा जो है फिर से वो डाउन हो जाएगा, फॉल हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? सो डोंट अटेम्प्ट टू टेक दैट थिंग विच लुक्स अपीलिंग, बॉज द अपीलिंग लुक्स तो दे रहा है, लेकिन क्या हो रहा है ना, उस चीज में डेंजर है थोड़ा सा। एंड आई डू फाइंड कि बहुत ज्यादा हिडन मिस्ट्रीज, बहुत ज्यादा रहस्य, मे बी इस वर्ल्ड के बारे में आप जानना चाहते हैं, मे बी एस्ट्रल वर्ल्ड के बारे में आप जानना चाहते हैं, बहुत कुछ यहाँ पे। तो वो सकता है कि आपको जैसे एक समंदर क्या है, इट्स लिमिटलेस राइट, इनफाइनाइट, सो हमारे नॉलेज भी उस समुंदर के नीचे लेकिन जीरो ही है, बट यू विल हैव दैट इनफाइनाइट नॉलेज। आप उस नॉलेज को अचीव करेंगे और कर भी सकते हैं बाय डिफरेंट वेज। और जिसके पास नॉलेज है, मैंने आपको तो वही कहा, नॉलेज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो डेफिनेटली जीत हासिल करना कोई भी बहुत बड़ा फैक्टर नहीं होगा कोई भी फील्ड में। आप बुक वेर यू कैन फाइंड आंसर्स, अभी भी आपको डाउट है, अभी भी आपको क्लैरिटी आपको चाहिए, सो डेफिनेटली आई डू फाइंड एक ऐसा बुक जरूर आपको मिलेगा, किताब मिलेगा, जहाँ पे आप अपनी सारी आंसर्स को ऑफकोर्स आपको मिलेगा। एंड अननोन प्लेस में आप जा सकते हैं जहाँ पे आज तक शायद बहुत ही कम लोग गए हैं, या उस प्लेस को आप विजिट कर रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। शेप शिफ्टर, कुछ लोग शेप शिफ्टर वही होते हैं जो अपनी जो फेस है उसको चेंज कर देते हैं, मतलब अभी तो अभी के ज़माने में बाय कॉस्मेटिक सर्जरी, बट जैसे होता है ना कि आकार जो है वो दूसरा ले लेते हैं, जनरली स्पिरिट्स ऐसा करते हैं। ठीक है, बट आजकल के समाज में कुछ लोग भी ऐसा है, आपके सामने कुछ और, दूसरे के सामने कुछ और, तो इन लोगों से आपको दूर रहने की जरूरत है। वो सामने आपको बोलेंगे कि आई विल सपोर्ट यू, बट बाद में जब आपको सपोर्ट करना होगा तो वो अपना कदम पीछे हटा लेंगे। ओके, अ लेटर, कोई भी इम्पोर्टेंट अर्जेंट ऑफिशियल अनऑफिशियल लेटर्स आपको मिल सकते हैं। ओके, रिक्रिएशन फन एंजॉयमेंट, मैंने आपको यही कहा था तभी कि आप बहुत ज़्यादा मज़े करते हुए दिखाई दे रहे हो। विजिट फॉर बिजनेस, बिजनेस टूर आपका हो सकता है, कोई क्लाइंट्स आपको मिल सकता है ड्यू टू द ट्रैवल। डिसर्नमेंट इज नीडेड, जजमेंट आपको चाहिए, इसलिए मैंने आपको कहा कि आप इमोशनली एंड प्रैक्टिकली डिसीजन ले कि किस चीज़ में आपका फायदा होगा, किस चीज़ में आपका नुकसान होगा, कौन आपके लिए बेटर है, कौन आपके लिए वर्स्ट है, आपको पता चलेगा जब आप जजमेंट करना सीख जाओगे। अभी भी आप जज नहीं कर पाते हैं, अभी भी आप एनालाइज नहीं कर पाते हैं। ओके, स्मार्ट कुकी, स्मार्ट कुकी इज अ पर्सन हु इज वेरी टैलेंटेड एंड डज एवरीथिंग। ठीक है, जो काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्वर है, हो सकता है कि आप कोशिश कर रहे हो कि हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना, और ऐसा हो सकता है कि ऐसा किसी को आप मिल रहे हैं। कॉस्मिक गाइडेंस, यहाँ पे विद आइसिस आई डू फाइंड लाइक दैट आप कैप्चर कर रहे हैं यूनिवर्सल एनर्जी को, एंड यू आर जस्ट पुटिंग इट इनटू एप्लीकेशन, आप प्रयोग कर रहे हैं। और भी बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल बुक्स इस दौरान आप पढ़ सकते हैं, मे बी आपके धर्म के अनुसार, आपके मजहब के अनुसार। मैजिकल इंटरवेंशन, मैजिक तो होना ही है आपकी जिंदगी में। देखो, जैसा बोला जाता है, इन ऑर्डर टू बी लाइक अ सन, सन इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर हम कुछ बोल रहे हैं, आज अगर हम कुछ खा रहे हैं, आज हम अपने हाथ को यहाँ से यहाँ हिला रहे हैं, तो सब कुछ के पीछे एनर्जी है, और एनर्जी का मेन सोर्स क्या है, दिस इज द सन राइट। सो सन व्हेन इट इज द सेंटर ऑफ ऑल एनर्जीज, ठीक है, उसके अंदर क्या है, आग है। तो अगर आपको उस सन के जैसा बनना है, ठीक है, तो आपको यू हैव टू बर्न ऑल्सो लाइक अ सन। सो फायर ऑफ सेक्रीफाइस, कुछ पाने के लिए कुछ कुछ कुर्बानी है वो तो देना ही पड़ेगा, बिकॉज देर इज नो फ्री लंच। इस चीज को आप जितना जल्द से जल्द समझ ले उतना ही बेहतर है। ठीक है, आपने नहीं जाना है कि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल पर्सन ने कितना कुछ कुर्बानी दिया है, तो यू शुड नॉट कंपेयर ऑल्सो। किसी को भी मैं बोलती हूँ, किसी के साथ कंपेयर करके आप अपने ही इंसल्ट करते हो,
और दूसरा चीज़ है आप अपने आप को दुखी करते हो, आप अपने एनर्जी को लो लेवल में लेके जाते हो। ये जो किस्मत है, किस्मत हमारा साथ दे ना दे, लेकिन हमारा जो इंटेंशन है वो हमारा साथ देगा ही। फेट जो ऑलरेडी हम, कर्म जो हमने ऑलरेडी लेके आए हैं उसको तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन हमारा जो प्रेजेंट एक्शंस है उससे तो इस चक्का जो है वो तो घूम ही सकता है ना। कुछ लोग सैटर्न के साइकिल से जा रहे हैं आप लोग, यस, शनि का ढैया चल रहा है या शनि का हो सकता है कि साढ़े सात ही चल रहा है या ढैया चल रहा है। नेक्स्ट 15 डेज में आई टोल्ड यू विल बी मूविंग थ्रू अ फ्लाइट, मैंने आपको कहा ही था फ्लाइट मूवमेंट है यहाँ पे, इमरजेंसी कॉल आ सकता है, लेटर मैसेज आ सकता है, कुछ पजलिंग सिचुएशन हो सकता है जिसको आप सॉल्व करोगे, एडवेंचरस टूर ट्रैवल एक्टिविटीज में हो सकता है। देखो मैंने आपको कहा था कि शेप शिफ्टर जो बच्चे के पीछे पड़ा हुआ है, ऐसा इंसान डेविलिश जो एक बच्चे के पीछे पड़ा, तो यूअर सोल इज लाइक अ बेबी, राइट? सो अपने आप को प्रोटेक्ट रखे। यहाँ पे भी फ्लेम है, यहाँ पे भी फायर ऑफ सेक्रीफाइस है। आई डू फाइंड लाइक दैट यू विल बी राइजिंग हाई, आप अपने टारगेट पे जरूर पहुंचोगे, एंड आई डू फाइंड कि देयर विल बी अ सोल मर्जिंग, ठीक है। यहाँ पे आपकी आत्मा और आपके पार्टनर की आत्मा जैसे यूनियन होता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो यू मे बी सफरिंग फ्रॉम मूड फ्लक्चुएशंस, कभी आपको हंसी आएगा, कभी आपको नाराजगी होगा, कभी आपको दुखी आप फील करोगे, लेकिन बैलेंस रहे, बैलेंस रहने की कोशिश करें। ऐसा मान के चले जो हमारे हाथ में नहीं है वो तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे हाथ में है उसको हम तो ज़रूर बदल सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड कीप वॉचिंग डिविनिटी टैरोस, एक्सपर्ट ट्रूथ ऑलवेज एक्सपोजेस डार्कनेस एंड विल एक्सपोज डार्कनेस। थैंक यू गाइज एंड लव यू अ लॉट एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय।